दिल्ली में एक तरफ सरकार और जाट प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही थी तो वहीं फतेहाबाद में जाटों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली और पुलिस के मुताबिक ढाणी गोपाल गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जाट दिल्ली की तरफ जा रहे थे लेकिन जब उन्हें रोका गया तो वो हिंसक हो गए, पुलिस पर हमला बोल दिया। रविवार को हरियाणा में जाटों के धरने का 50वां दिन था। अभी तक पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा जाट समुदाय का धरना रविवार को फतेहाबाद के ढाणी गोपाल गांव में हिंसक हो गया। जाटों के दिल्ली कूच के ऐलान के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट पर था, धारा 144 लागू थी। पुलिस के मुताबिक ढाणी गोपाल गांव ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जाट दिल्ली की ओर जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो खाकी पर हमलावर हो गए। लेके हुआ था जो मूवी बना रहे थे ना, उसके लिए उन्होंने मना किया, उसको गालियां देने लग गए पहले भी, ये मूवी मत बनाओ हमारी, और मूवी के लिए बार बार कह रहे थे बंद कर दो, फिर वो भी बंद कर दी, फिर भी नहीं माने, आगे अंदर ही घुस गए। उधर से दूसरी दोनों साइड से, दूसरी साइड से ट्रैक्टर था जिसमें शायद पत्थर भी ट्राली में डाल रहे थे, वो ट्रैक्टर मतलब बिल्कुल ऊपर फोर्स के लेके चढ़ा दिया उन्होंने, पत्थर लेकर के गाड़ियों में फ्यूल डाल करके टंकी उसमें कैनियों में वो लेकर के आ रहे थे। वहाँ रोक करके उनको यही समझाने का प्रयास हुआ था कि आप ये बर्छे और ये गंडासे लेकर के धरने पे ना जाएं। इस बात को लेकर जो पीछे से जो गाड़ियों में ट्रॉलियों में बैठे हुए युवा थे वो पीछे से उतर उतर कर आगे आ गए और आगे आने के बाद DSP साहब से झगड़ा कर लिया और एक ने पहल सबसे पहले 4 DSP को सिर में लठ मारने के बाद तुरंत पकड़ा हुआ। फतेहाबाद में हुई इस घटना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जांच की बात कही है तो वहीं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने पुलिस पर सवाल उठाए। घटना हुई है उसकी एक प्रारंभिक जानकारी मिली है लेकिन उसकी एक इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी में जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हिसार के गाँव के लोग जब फतेहाबाद जा रहे थे तो पुलिस ने वहाँ जांचती की है, आंसू गैस के गोले भी चलाए हैं, उसकी नॉलेज भी उच्च प्रशासनिक अधिकारों को दे दी गई है और अपने लोगों को ये कह दिया गया है कि वे पीछे हटके शांति का परिचय दे और हमारी तरफ से कोई भी आदमी हिंसा में भाग न ले। रविवार को भले ही जाटों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम चल गया लेकिन फतेहाबाद में हुई हिंसक झड़प से एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा आंदोलन हिंसक क्यों हो गया। धर्मेंद्र गोस्वामी, Zee Media, फतेहाबाद।